हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल महामाया सिलेक्शन में। दोस्तों, मैं सागर आज आपके लिए लाया हूं फ्रेंड्स प्रकाश से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण सवाल, लाइट से रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं, उसको आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश का द्वैधर्यमान प्रसार होता है तो दृश्य प्रकाश का द्वैधर्यमान प्रसार कितना होता है फ्रेंड्स? तो 390 से 780 mm के बीच होता है, 390 से 780 mm के बीच होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, मानव आंख क्या कह रहा है। मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह है, तो 5500 के लिए होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रकाश की गति है, प्रकाश की गति कितनी होती है फ्रेंड्स? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट अगला क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है तो प्रकाश का वेग अधिकतम कहां होता है? निर्वात में होता है, वैक्यूम में। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? तो प्रकाश की गति न्यूनतम हो जाएगी कांच से। अगर ग्लास से अगर प्रकाश गुजर रहा है तो गुजरने के बाद क्या हो जाएगा, उसका जो गति हो जाएगा वो न्यूनतम हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग कितना समय लगता है फ्रेंड्स? तो 8 मिनट 5 सेकंड लगता है, 8 मिनट 5 सेकंड। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, साबुन में पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स? बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण। तो फ्रेंड्स, आठवां नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है कहां से? हीरे से जाता है कांच में, हीरे से कांच में जाता है, कांच में। फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नौवें नंबर क्वेश्चन पे, प्रकाश तंतु जिसे हम ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं किस सिद्धांत पर काम करता है वह, ये किस सिद्धांत पर काम करता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन के सिद्धांत पे ये कार्य करता है। नेक्स्ट क्या है, एक काटा हुआ कीड़ा क्यों जगमगाता है? ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है, जगमगाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, किसी तारे का रंग दर्शाता है, किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है फ्रेंड्स? तो उसका ताप, उसका टेम्परेचर, उसका हीट को दर्शाता है, उसका ताप को। नेक्स्ट क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है तो वायुमंडल में प्रकाश जो स्कैटर होता है क्यों होता है? ये होता है धूल कण के कारण, धूल कण के कारण वायुमंडल में प्रकाश का विसरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके चलते, किसके चलते प्रकाश का रंग निर्धारित होता है? तो तरंग दैर्ध्य के चलते, तरंग दैर्ध्य। अब ये तरंग दैर्ध्य क्या है फ्रेंड्स? वेवलेंथ है, वेवलेंथ के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन है, किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य है? तो फ्रेंड्स आपको पता है लाल रंग का, लाल रंग का सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य है। इसको याद करने के लिए आप इसको भी याद कर सकते हैं, विवग्योर, विवग्योर, ठीक है। जैसे रेड हो गया, रेड का सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य है, ऑरेंज हो गया, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, घटते क्रम में आप आ जाइएगा सबसे पहले, या इससे यहां इधर चलिए तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, इधर चलिए तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो लाल क्या हो गया, सबसे ज्यादा इसका तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंद्रधनुष में रंगों का सही क्रम क्या है? तो इंद्रधनुष में रंगों का सही क्रम क्या है? नीला, हरा, पीला, यही है आपका। देखिए विवग्योर, विवग्योर जो है ना, यही है आपका 3, 3, 6 and 7, यही आपका क्या है, क्रम है विवग्योर। अब नेक्स्ट बात करते हैं, तीन रंग मूल रंग है, ये है कौन कौन से? तो ये है नीला, हरा और लाल, नीला, हरा एवं लाल। तो फ्रेंड्स ये थे आपके टॉप 16 क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स में भी प्रकाश से रिलेटेड पूछे जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट करेंगे, लाइक बटन दबाइए कि इस तरह के वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू।